नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया के सबसे प्राचीन पिरामिड कहाँ पे है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब शायद मिस्र होगा। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन पिरामिड मिस्र के गीज़ा में पाए जाते हैं। गीज़ा के इन महान पिरामिडों का निर्माण आज से तकरीबन 4,500 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ दुनिया का सबसे प्राचीन पिरामिड भारत में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन ये सच है, दुनिया के सबसे प्राचीन पिरामिड भारत में है, जिसका निर्माण आज से तकरीबन 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो चलिए आज आपको इसी पिरामिड के बारे में हम बताते हैं। गीज़ा के पिरामिडों से भी पुराना पिरामिड भारत में है, और ये पिरामिड है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। बरेली शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर आंवला तहसील के रामनगर गांव में ये पिरामिड पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान मिला। इस स्थान को भीमगदा के नाम से भी जाना जाता है। 22 मीटर ऊंचे इस पिरामिड के सबसे ऊपर एक बड़ा सा शिवलिंग भी स्थित है। पुरातत्वविदों के मुताबिक इस पिरामिड का निर्माण ईसा पूर्व 3,000 वर्ष पहले, यानी कि आज से तकरीबन 5,000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। क्योंकि गीज़ा के महान पिरामिडों का निर्माण आज से तकरीबन 4,500 वर्ष पहले हुआ था, तो ये साफ है कि इससे पहले ही भारत में इस पिरामिड का निर्माण हो चुका था। यकीन करना मुश्किल है कि इतने प्राचीन समय में इतने भव्य, इतने विशाल पिरामिड का निर्माण भारत में हुआ होगा। इस पिरामिड का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है तुर्कों के आक्रमण के समय। जब 12वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण हुआ था, तो उन्होंने इस पिरामिड को तोड़ने की बेहद कोशिश की थी, और जिसमें काफ़ी सफल भी हुए, और इसका काफ़ी हिस्सा उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बावजूद इसकी विशालता देखकर ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय का ये कितना भव्य और आलिशान निर्माण रहा होगा। आपको पता है कि अपने समय का, यानी कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व पहले, इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े एरिया में किसी भी निर्माण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यूनान और रोम की सभ्यताओं का भी जो सबसे बड़ा निर्माण मिला है, वो 147 हेक्टेयर का है, और जबकि इस पिरामिड का निर्माण जहाँ पे हुआ है, इस पूरे इलाके का क्षेत्रफल 187 हेक्टेयर है। इससे आप सोच लीजिए कि कितना भव्य और विशाल निर्माण रहा होगा आज से 5,000 वर्ष पहले। बरेली के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ उसकी प्राचीनता के बारे में बात करें, तो आज जिसे हम बरेली के रूप में जानते हैं, प्राचीन काल में इसे अहिच्छत्र के रूप में जाना जाता था। अहिच्छत्र का संबंध महाभारत काल से है। उस दौरान इसे द्रुपद की राजधानी पांचाल के रूप में जाना जाता था, जिसे पांडवों ने जीतकर गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया था। इस घटना के बाद द्रुपद ने कांपिल्य को अपनी राजधानी बना लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अहिच्छत्र करीब 3,000 वर्षों तक जीवित रहने वाला शहर है। 12वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद यह शहर तकरीबन खत्म हो गया। खुदाई के दौरान यहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ और अन्य सामान इस समय दुनिया भर के संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको, हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे भी हम इस तरह की कई रोचक जानकारियाँ आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।